मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। गांव के लोगों को जो अन्य मांग होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मनोज भाटी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद की पत्नी कोमल की तरफ से नौकरी देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भरते हुए जल्द ही नौकरी देने का वादा किया। हमारे लिए बड़े वैसे तो एक शहीद सैनिक वो चला गया, देश पर शहीद हो गया। परिवार के नाते भी हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है, बड़ा एक बहुत झटका लगा है परिवार को। लेकिन फिर भी देश के ऊपर वो शहीद हुआ है, शहादत के ऊपर गर्व भी है, इसलिए परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने के लिए मैं आया हूँ। और कुछ चीज़ें हमने तय की हैं कि इस शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे, तो यहाँ का जो स्कूल है उस स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी उनके नाम से रखा जाएगा। और इसके अलावा भी परिवार की सहायता के नाते से जो राशि होती है वो भी इनको जल्दी पहुँचेगी, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताने के बाद गांव के ही राहुल भाटी, जिनकी यमुना नदी में डूबकर मौत हो गई थी, उसके परिवार के यहां पहुंचकर भी शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी है। फरीदाबाद से टोटल टीवी के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।